वेलकम। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर क्लास का आपका टॉपिक है लर्निंग रूपांतरण समीकरण। इससे लास्ट वाले टॉपिक के अंदर जो काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया था एक तरीके से, माइकलसन मोल ने एक्सपेरिमेंट किया था अपन। माइकलसन मोल ने एक्सपेरिमेंट में अपन ने जो अपेक्षकता के विशिष्ट सिद्धांत की जो अपन ने नींव रखी थी कि ये किस प्रकार प्रतिपादित हुआ है उसको देखना था अपने। तो माइकलसन मोल ने एक्सपेरिमेंट के नल रिजल्ट के बाद यानी शून्य परिणाम के बाद या नकारात्मक जो परिणाम उसके आए थे उसके बाद आइंस्टीन ने अपने दो थ्योरीज दी अपेक्षिकता के लिए। एक तो आपकी सामान्य सिद्धांत था और एक तो आपका विशिष्ट सिद्धांत। विशिष्ट सिद्धांत जो था आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो दी गई थी 1905 के समथिंग, ठीक है 1905 में। और जो सामान्य सिद्धांत था वो उसके बाद दिया गया 1915 के अंदर। तो पहले विशिष्ट सिद्धांत की अपन बात करते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ दी गई, ठीक है। विशिष्ट सिद्धांत के अंदर आइंस्टीन ने अपने दो प्रमुख अभिग्रहित दिए। उन अभिग्रहित के अंदर देखिए उसने किस प्रकार प्रकृति के नियमों को समेटा। तो पहला देखिए, पहला अभिग्रहित था प्रकृति के सभी नियमों का स्वरूप सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में एक समान होता है। यानी जो आइंस्टीन ने अपना जो पहला अभिग्रहित दिया, अभिग्रहित का मतलब होता है कि ये चीज़ क्लियर है, आप इनको नकार नहीं सकते। अभिग्रहित का मतलब होता है कि ये चीज़ जो आपने दे दी, ये चीज़ जो आपने बता दी उसका पूर्ण अर्थ है, ठीक है, उसको आप कहीं से भी नहीं निकाल सकते। नियम होते हैं वो कई बार बाउंड कर जाते हैं, नियम का मतलब होता है कई बार वो कई जगह नहीं कर जाते, कई बार एक्सेप्शन बन जाते हैं, लेकिन जो अभिग्रहित होते हैं वो एक तरीके से यूनिवर्स का सच होते हैं, ठीक है, आप उनको नकार नहीं सकते। अलग अलग चीज़ होते हैं, अलग अलग नामों के अलग अलग मतलब होते हैं, सिद्धांत का मतलब अलग होता है, नियम का मतलब अलग होता है, सारी चीज़ का प्रमेय का मतलब अलग होता है, हर चीज़ का मतलब अलग होता है। वैसे नियम और अभिग्रहित के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। तो पहला अभिग्रहित था कि प्रकृति के नियमों का स्वरूप सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान प्राप्त होता है। एक तरीके से ये अभिग्रहित है वो न्यूटन ने भी दिया था, न्यूटन की अपेक्षकता का सिद्धांत है, उसमें भी यही चीज़ बताई थी कि यांत्रिकी के जितने भी मूलभूत नियम हैं, यांत्रिकी के जितने भी मूलभूत नियम हैं वो सभी सापेक्षिक गति करने वाले निर्देश तंत्रों में समान रहते हैं। यानी अगर मैं बात करूं कि अगर आपने गैलीलियन रूपांतरण इससे पहले पढ़ा है तो उसमें क्या कहा गया है कि जो अगर कोई कण है आप उसकी अगर गति को देखते हो तो उसकी वेग है, उस कण का वेग या उस कण की दूरी है, ठीक है, वो चेंज होती जाती थी अलग अलग निर्देश तंत्रों में देखने से, अलग अलग चेंज होती थी, जिसके कारण कुछ नियम है वो अलग अलग आ रहे थे क्योंकि उनकी जो भौतिक राशियाँ हैं वही चेंज हो रही है अलग अलग निर्देश तंत्रों में। तो उसके कारण कुछ नियम भी बाउंड कर रहे थे, कुछ नियम भी नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद आइंस्टीन ने कहा कि प्रकृति के अंदर जितने भी आपके पास नियम हैं उनको आप किसी भी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में देखो। जड़त्वीय निर्देश तंत्र का मतलब होता है या तो वह निर्देश तंत्र स्थिर हो या वह एक समान रूप से एक समान वेग से गति कर रहा हो। तो उन दोनों कंडीशन में आपके पास जो प्रकृति के नियम है वो क्या मिलेंगे, समान मिलेंगे। और ये चीज़ अपन ने न्यूटन वाले में भी देखा था, न्यूटन ने भी ये चीज़ बताई थी इससे पहले जो अपन पढ़ के हैं। तो पहला तो यही आपका। उसके बाद हुआ कि कई बार ये हो रहा था कि प्रकृति के नियम है जो आपके यांत्रिकी के, या प्रकृति का मतलब हो गया जितनी भी इसके अंदर फिजिक्स के अंदर ब्रांच है, चाहे ऑप्टिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, चाहे ये हो आपके पास मैकेनिक्स हो, सभी के नियम न्यूटन ने सिर्फ यांत्रिकी का नाम लिया था लेकिन आइंस्टीन ने सभी फिजिक्स की ब्रांच का नाम लिया था, ठीक है। तो कई बार ये हो रहा था कि जो नियम है वो एक समान प्राप्त नहीं हो रहे थे, उनका स्वरूप एक समान प्राप्त नहीं हो रहा था। तो इसको सही करने के लिए आइंस्टीन ने अपनी दूसरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, सामान्य सिद्धांत दिया 1915 के अंदर। उसने कहा कि कई बार ये हो जाता है कि आप जो गणनाएं कर रहे हो वो सही निर्देश तंत्र लेके नहीं कर रहे होगे, तो उस निर्देश तंत्र की कल्पना भी आपको एक अच्छी तरीके से करनी होगी कि आप किस प्रकार से लेते हो। और उस निर्देश तंत्र को चुनने का तरीका उसने गुरुत्वीय क्षेत्र और त्वरण के प्रभाव के आधार पर दिया था, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। पहला तो आपका ये है। दूसरा आपका क्या कहता है आइंस्टीन कि प्रकृति प्रकाश का जो वेग है किस माध्यम में, निर्वात में, क्योंकि अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्राप्त होगा। प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्राप्त होता है लेकिन जो आधार है प्रकाश के वेग का, जो उसको कैलकुलेट करने का आधार है, जिसके अपेक्षा में सभी गणनाएं होती है, वो निर्वात में होता है, ठीक है। प्रकाश का वेग सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान प्राप्त होता है या सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान रहता है या प्रकाश का जो वेग है वह एक सार्वत्रिक नियतांक है।
प्रकाश का वेग है वो सभी जड़ित निर्देश तंत्रों में एक समान रहता है, ये एक सार्वत्रिक नियतांक है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि आपके पास ये निर्वात है, निर्वात आप अंतरिक्ष में बैठे हो या कहीं पर बैठे हो, इस निर्वात का आपने पहले नाम दिया था इथर, ल्यूमिनिफेरस इथर नाम दिया था, लेकिन ये बात अलग है। आपके पास एक कण है निर्वात में जो गति कर रहा है, फोटोन मान लेते हैं 3×10^8 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। प्रकाश की जो लाइट है उसका एक क्वांटा है, क्वांटा है वो 3×10^8 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है। आपने यहाँ पे एक निर्देश तंत्र लगाया, आपने इसको देखना चालू किया तो आपको उसका वेग मिला 3×10^8। ये आपके पास एस निर्देश तंत्र था जो कैसा था, स्थिर था। आपने जब इसको देखा क्वांटा को तो ये 3×10^8 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। फिर आपने एक दूसरा निर्देश तंत्र लगाया एस डैश, फिर आप इसके ओरिजिन पे बैठ गए ओ डैश पे, फिर आपने इस वापस इस क्वांटा को देखा। लेकिन अब की बार फर्क क्या है कि ये तो स्थिर था लेकिन ये एक समान वेग से आगे की तरफ जा रहा है। तो जब आप इस ओ डैश पे भी बैठ के इस क्वांटा को देखोगे तो भी उसका वेग 3×10^8 मीटर पर सेकंड ही मिलेगा। ये बाकी सारी गणनाओं में सही होता है लेकिन गैलीलियन रूपांतरण और न्यूटन की अपेक्षिकता के आधार पर ये चीज़ सत्य नहीं होनी चाहिए जो गैलीलियन रूपांतरण ने अपनी चीज़ें दी थी, क्योंकि 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी तक यही चल रहा था कि प्रकाश का वेग है या किसी भी चीज़ का वेग है वो अलग अलग निर्देश तंत्रों में अलग अलग प्राप्त होगा। और खासकर बात जब माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसने प्रकाश के तरंग व्यवहार को या और उसके अगर वो माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट सही हो जाता तो वो एक तरीके से गैलीलियन रूपांतरण को भी सही कर देता और वो थ्योरी अपन आज तक बढ़ते। लेकिन माइकलसन मोरली के सही नहीं होने के कारण, और ये चीज़ आइंस्टीन ने बता दी कि जो आप प्रकाश का वेग देखते हो या किसी भी फोटोन का वेग देखते हो वो सभी निर्देश तंत्रों में समान मिलेगा। ये कौन से निर्देश तंत्र है, एस और एस डैश, एक स्थिर है और एक एक समान वेग से चल रहा है तो दोनों कैसे है, जड़त्वीय है। तो प्रकाश का वेग सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान मिलेगा लेकिन गैलीलियन रूपांतरण ये कहता है कि ये अगर ये स्थिर है इसमें 3×10^8 मिल रहा है तो इस वाले निर्देश तंत्र में कुछ अलग मिलेगा। लेकिन आइंस्टीन ने ये थ्योरी को खारिज करते हुए कहा कि प्रकाश का वेग सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में एक समान होता है। प्रकाश का वेग ना दिशा पर निर्भर करता है, ना इस स्रोत के वेग पर निर्भर करता है ये कितने वेग से जा रहा है, ना निर्देश तंत्र के वेग पर निर्भर करता है, ना इसमें बैठा जो प्रेक्षक है उसके वेग पर निर्भर करता है। एक बात क्लियर। उसके बाद देखिए कि जो गैलीलियन रूपांतरण था, ठीक है, उसमें देखिए क्या हुआ कि क्योंकि अब देखिए अब आपने जो विशिष्ट अभिग्रहित ले आए उसके बाद एक तरीके से गैलीलियन रूपांतरण तो आपको आपने सिरे से नकार दिया, गैलीलियन रूपांतरण को आपने अलग ही कर दिया, आप उसको आगे ज़्यादा यूज़ में नहीं ले सकते, आप उसको खारिज ही कर रहे हैं एक तरीके से। तो इन विशिष्ट अभिग्रहित को एक्शन में लाने के लिए, फिजिक्स में अप्लाई करने के लिए लोरेंज ने कुछ अपने समीकरण दी, लोरेंज ने भी अपने रूपांतरण समीकरण बनाए। उसमें उसने क्या कहा या जो आइंस्टीन ने बात की वो क्या कही कि प्रकाश का वेग तो रहेगा, उसके साथ साथ क्या होगा कि जो टाइम आप गैलीलियन रूपांतरण में टी और टी डैश दोनों समान ले रहे थे, ठीक है, वो टाइम भी क्या होता है अभी अलग अलग होता है, टी और टी डैश कभी समान नहीं रहते। जब आप बड़े ऑब्जेक्ट की बात करते हो, हाई वेलोसिटी वर्ल्ड की बात कर रहे हो, उस समय पर टी और टी डैश दोनों क्या नहीं रहेंगे, समान नहीं रहेंगे, ठीक है। टी और टी डैश का मान भी क्या होगा, परिवर्तित होगा, यानी एक तरीके से आप बात कर रहे हो समकालीनता की। गैलीलियन ने कहा था कि कोई भी घटना होगी वो समान समय में होगी चाहे आप किसी भी निर्देश तंत्र में जाओ, कोई भी निर्देश तंत्र ले लो, किसी भी निर्देश तंत्र में बैठो, आप अगर उस घटना को देख रहे हो तो वो समान स्वरूप से हो रही है, ठीक है, वो घटना क्या हो रही है, समान तरीके से हो रही है, हर टाइम पे समान टाइम पे हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि आप जैसे अगर बात करते हैं कि आपके पास कोई दूर बैठा हुआ है, जैसे अगर बात करें कि प्रकाश है किसी सितारे से, किसी स्टार से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो अपने अभी धारणा बनाई हुई है कि वो प्रकाश है वो करोड़ों साल पहले चल चुका है लेकिन अपने पास ही आए, तो उसका भी एक निर्देश तंत्र और अपना भी निर्देश तंत्र है, दोनों निर्देश तंत्रों में जो घटना है वो समान प्राप्त नहीं हो रही। उसने प्रकाश छोड़ दिया तो उसका एक अलग टाइम है, जो अपने पास प्रकाश पहुंचा जब अपन ने नोटिस किया तो टाइम बहुत अलग हो चुका था। या अगर मान लेते हैं कि कोई अपने को आज देख रहा है, अंतरिक्ष में से कोई अगर अपने को देख रहा है, ठीक है, तो अपने से बहुत पुरानी पीढ़ी को देखता रहे, ठीक है, तो यानी समकालीनता की जो परिभाषा थी वो एक तरीके से क्या थी, नकार दी। कि जैसे अगर मैं बात करूँ, बताई दूँ आपको, ठीक है, अगर मान लो आपके पास ये आपने माना है कि अर्थ के ऊपर अपनी सभ्यता है, मान लो अंतरिक्ष में कहीं और दूसरी जगह सभ्यता है जो अपने को आज टेलीस्कोप से देख रही होगी, ठीक है, तो टेलीस्कोप से देख रही होगी तो अपने का जो यहाँ का धरती का प्रकाश है वो उस तक पहुँचने में क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी एक तरीके से जो अपनी समकालीनता है, जो अपना टाइम है, वो उस तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगा हुआ, और अगर वो आज के टाइम में अपने को देख रहे हैं तो वो एक तरीके से अपने को नहीं देख रहे, वो किसी अपनी पुरानी सभ्यता को देख रहे हैं या पुराने डायनासोर वगैरह उनको देख रहे हैं। अगर वो आज अपने को देख भी रहे हैं इस टाइम पर
ठीक है, तो उनको अपनी पुरानी पीढ़ियाँ दिख रही होगी जो समकालीनता की पूर्ण परिभाषा थी। इनको जब आप एप्लीकेशन में लाओगे आइंस्टीन के प्रमुख भागों को, प्रमुख अभिक्रिया को, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके आगे आते हैं। तो ये चीज़ थी। उसके बाद देखिए लोरेंज रूपांतर समीकरण, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते अपन, ठीक है। इनको जब तक आप रीड नहीं करोगे, जब तक इनकी एक तरीके से भी आपको अभिकृत दे दिए, लेकिन इनका जो मूल है, जो इनके अंदर कहने वाली बात है, वो आपको पढ़ने से ही प्राप्त होगी, बताने से नहीं होगी। आप चीज़ों को देखोगे, नोटिस करोगे, अलग अलग जगह से पढ़ोगे, तभी आपको पता चलेगा। अब देखिए लोरेंज रूपांतरण समीकरण, गैलीनियन रूपांतरण अपने अपने काम के नहीं है। अब आपके पास आ गई लोरेंज रूपांतरण समीकरण। लोरेंज रूपांतरण समीकरण में देखिए क्या करना है आपको, वही गैलीनियन रूपांतरण की तरह आपको एज्यूम करके चलना है। पहली बात आपको क्या एज्यूम करनी है कि जिस प्रकार गैलीनियन रूपांतरण में दो आपने निर्देश अंतर लिए थे, एक स्थिरता और दूसरा उसके सापेक्ष एक समान वेग से एक्स दिशा में गति कर रहा था, वैसे ही आपको लोरेंज रूपांतरण समीकरण में देना है। आगे बात समझ में, लोरेंज रूपांतरण समीकरण में लोगे तो भैया आपके पास गैलीलियन में देखो पहले क्या हुआ था, गैलीलियन में आपके पास यही आए थे क्या, अगर एस और एस डैश दो निर्देश तंत्र है, एस डैश आगे की तरफ वी वेग से जा रहा है, तो उस टाइम पे आपके पास जो रूपांतरण समीकरण आए थे वही आए थे, एक्स इक्वल टू एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, और जेड डैश इक्वल टू जेड, और टी इक्वल टू टी डैश था। ये गैलीलियन रूपांतरण समीकरण थे, लेकिन अपने को बनाने लोरेंज रूपांतरण समीकरण। तो लोरेंज रूपांतरण समीकरण में भी आपको क्या मानना है वो देखिए, कि आपके पास दो निर्देश तंत्र होंगे, एक एस और एक एस डैश, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि ओ और ओ डैश है आपके ओरिजिन पॉइंट, ये किस प्रकार गति कर रहे हैं अभी, ओ और ओ डैश है वो एक दूसरे के ऊपर एक्स दिशा में गति कर रहे हैं, यानी जब टी और टी टाइम जीरो था, जब टी और टी डैश दोनों जीरो थे, तो ओ और ओ डैश एक दूसरे के ऊपर संपाती थे, भैया जो ओ डैश है ये बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर ही था, और जब टाइम गुजरता गया, जब टाइम आता गया, तो क्या हुआ भी ये आगे की तरफ गति करने लगा, किस दिशा में, धनात्मक एक्स दिशा में, ठीक है। उस कंडीशन में इसके जो वाई कोऑर्डिनेट है और इसके जो जेड कोऑर्डिनेट है, इसका वाई एक्स और इसका वाई डैश एक्स दोनों एक दूसरे के समांतर रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में देखिए आपके पास क्या लोरेंज रूपांतरण समीकरण बनते हैं। तो देखिए लोरेंज रूपांतरण समीकरण में देखिए आपको क्या है कि जिस प्रकार गैलीलियन रूपांतरण में जो एक्स प्राइम है वो एक्स और टी का फलन है, गैलीलियन रूपांतरण में एक्स प्राइम एक्स और टी का फलन है, उसी प्रकार लोरेंज रूपांतरण समीकरण में भी एक्स प्राइम है वो एक्स और टी का फलन होगा, और वो फलन किस हिसाब से होगा, ए एक्स प्लस बी टी के हिसाब से होगा, जहाँ पे ए और बी कुछ अलग फलन है, ए और बी कुछ चर है जिनका मान अपन निकालेंगे। अगर ये गैलीलियन रूपांतरण होता तो ए का मान कितना होता, एक, और बी का मान कितना होता, माइनस वी। यहाँ पे ए का मान एक और बी का मान माइनस वी रखोगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अपने को लोरेंज रूपांतरण समीकरण बनाने हैं, इसलिए अपन ए और बी का कुछ अलग मान निकालेंगे जो अपने पास प्राप्त होगा, उसके बाद लोरेंज रूपांतरण समीकरण बनेगी। उसी प्रकार एस और एस डैश किस प्रकार गति कर रहे हैं आपने देख लिया, तो उस कंडीशन में वाई और वाई प्राइम तो एक दूसरे के समांतर चलेंगे, तो उनमें तो कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, तो जेड और जेड डैश भी एक दूसरे के समांतर होंगे, टी और टी डैश एक दूसरे के समान नहीं होंगे, टी और टी डैश एक दूसरे के समान नहीं होंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको एक घटना देखनी है। अगर टी और टी डैश एक दूसरे के समान नहीं है तो क्या है, एक चीज़ आपको और एज्यूम करनी है कि टी डैश है वह भी एक्स और टी का फलन है, टी डैश है वो भी एक्स और टी का फलन है, और किस प्रकार है, उसमें भी दो चर लिए जाते हैं, एक तो डी एक्स प्लस एफ टी, ठीक है, ये भी आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा। अब एक घटना लेता हूँ मैं, ठीक है, घटना क्या है कि भैया आपके पास कि एस निर्देश अंतर था, ये इसका ओ पॉइंट था, और जब टी बराबर जीरो था और टी टाइम टी प्राइम भी जीरो था, टी और टी प्राइम दोनों जीरो थे, तब ओ भी यहीं पे था, ओ डैश भी यहीं पे था, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो भाई एस डैश थोड़ा आगे चला गया, तो एस डैश यहाँ पे आ गया। आगे बात समझो, तो ओ से ओ डैश ने कुछ ये दूरी तय कर ली यहाँ तक, अब ओ से ओ डैश कितना चला गया, यहाँ पे ओ पे एक आदमी बैठ के देखता है कि ओ डैश कितना आगे चला गया, यानी आपको ओ डैश के निर्देशांक निकालने हैं। एक बार तो एस निर्देश अंतर में और एक बार एस डैश में, तो पहले एस के अंदर निकालो, ओ से ओ डैश कितना चला गया, कितनी दूरी तय कर ली ओ डैश ने, कितनी दूरी तय कर ली, ये दूरी क्या होगी, समय गुणा चाल या चाल गुणा समय, ये दूरी किस वेग से वेग गति की है उसने, एक समान वी वेग से,
तो उसने चाल क्या है उसकी वी, कितने टाइम बाद यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, तो मान लेते हैं टी टाइम बाद, तो ये दूरी कितनी होगी वी टी। तो एस निर्देश तंत्र में ओ डैश का निर्देशांक होगा एक्स इक्वल टू वी टी। वाई के अंदर कुछ विस्थापन है क्या इसका, या जेड के अंदर कुछ विस्थापन है क्या, नहीं ये सिर्फ एक्स दिशा में जा रहा है, तो वाई इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू जीरो। और किस बात पे कर रहे हैं, टी टाइम पे ये कोई गणना हो रही है। अब इसी घटना को ओ प्राइम के निर्देशांक आपको एस प्राइम में निकालने हैं इसी निर्देश तंत्र में, यानी ओ प्राइम पे बैठ के आपको ओ प्राइम को ही देखना है। तो अगर आप ओ प्राइम पे बैठ गए तो आपको कुछ अपना विस्थापन दिखेगा क्या, आप तो एक समान वेग से गति कर रहे हो, कोई दूसरा देखेगा तो आपको लगेगा कि यहाँ भी वो विस्थापित हो रहा है, लेकिन आप जब खुद अपनी स्थिति पे बैठ गए तो आपको कोई विस्थापन नहीं दिखेगा। यानी एक्स प्राइम क्या होगा जीरो, वाई प्राइम भी क्या होगा जीरो, जेड प्राइम भी क्या होगा जीरो, और उस टाइम टाइम कुछ टी प्राइम होगा। टाइम तो जीरो नहीं हो सकता ना भी, क्योंकि टाइम जीरो तो कब है, जब ये एक दूसरे के संपाती है, जब टाइम गुजर गया तो कुछ ना कुछ मान होगा इसका। एक बात क्लियर। अब देखिए आपके पास क्या है, ये जितने भी मान है ये इन समीकरणों में पुट कीजिए। ये समीकरणों के अंदर अगर अपन मान रखेंगे तो x प्राइम का मान कितना है जीरो, तो जीरो इक्वल टू a, x का मान vt प्लस में b का मान है नहीं इंटू टी, यहाँ से क्या कॉमन आया t कॉमन आया, तो ए बी प्लस बी कॉमन टी इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आया अभी आपके पास b इक्वल टू टी, जीरो नहीं हो सकता भी, टी जीरो का जब एक दूसरे के संपाती है, लेकिन ये थोड़ा आगे चला गया तो टी तो जीरो होगा नहीं ना, टी प्राइम जीरो होगा, तो जीरो क्या होगा ए बी प्लस बी जीरो होगा। और यहाँ से आपको क्या प्राप्त होता है बी इक्वल टू माइनस ए बी, ये मान उठा के आप वापस इसी समीकरण में रख दो, ये मान वापस आप उठा के यहाँ पे रखते हो तो एक्स प्राइम इक्वल टू, एक्स का मान रखोगे क्या अभी, एक्स का मान नहीं रखोगे क्योंकि आपको एक्स प्राइम का मान है वह एक्स और टी के फलनों में चाहिए, तो आप किसका मान रखोगे ए और बी का मान नहीं रखोगे, ए का मान आपके पास नहीं है, बी का मान आपके पास है, तो ए का मान नहीं है, एक्स को एक्स पर डाल देने दो, बी का मान कितना है माइनस ए बी इंटू टी, यहाँ से क्या कॉमन आया ए कॉमन आया, तो क्या आया एक्स माइनस वी टी। यानी एक्स प्राइम का एक नया रूपांतरण समीकरण बना गया, या किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे एक्स प्राइम का जो समीकरण होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। तो अब इसको मैं एक नया समीकरण नाम दे देता हूँ, एक्स प्राइम इक्वल टू ए एक्स माइनस वी टी। आगे बात समझ में, अब मेरे को क्या करना है अभी, इन लोरेंज रूपांतरण समीकरण को अस्तित्व में लाना है, तो मेरे को ए बी और डी एफ इन चार चरों के मान ज्ञात करने होंगे, ए बी डी एफ ये चारों क्या है अभी कॉन्स्टेंट है, और इन कॉन्स्टेंट का मान किस पर निर्भर करता है, इनका मान निर्भर करता है ये फ्रेम किस तरीके से गति कर रहे हैं, या इस सापेक्ष वेग क्या है इसका, ये जो निर्देश अंतर गति कर रहा है उसका वेग क्या है, एक प्रकार से उस पर निर्भर करते हैं। तो इन ए बी डी एफ का मेरे को क्या करना होगा, मान ज्ञात करना होगा। इन मानों को ज्ञात करने के लिए मैं कुछ घटनाएं लूंगा, ठीक है। और घटना सारी एज्यूम करके लेनी है आपको, ठीक है। मान लेते हैं कि जब टी और टी प्राइम जीरो है, टी और टी प्राइम जीरो है, तो आपको समझ सबसे पहले आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि और ओ डैश एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगे, तभी टी और टी प्राइम जीरो मानते हैं अपन। तो मान लेते हैं कि टी और टी प्राइम जीरो है, तो ये तो आपका एस निर्देश अंतर हो गया, और अगर टी और टी प्राइम जीरो है तो एस डैश भी इसके ऊपर होगा, यानी यहाँ पे ओ है तो यहीं पे ओ डैश होगा, यानी एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे वो एक तरीके से संपाती होंगे। आगे बात समझो क्या, एस डैश और एस एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल संपाती होंगे, और ओ डैश एक दूसरे के ऊपर इक्वल होंगे, किस कंडीशन में, टी ओ टी प्राइम क्या हो जीरो। जब टी ओ टी प्राइम जीरो है, मान लेते हैं एज्यूम करते हैं अपन कि जो टी ओ टी प्राइम जीरो है, तो होता क्या है कि जब दोनों एक दूसरे के ऊपर संपाती है और ओ डैश एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उस कंडीशन में एक प्रकाश तरंग निकलती है, ओ बिंदु से एक प्रकाश तरंग निकलती है, या प्रकाश तरंगाकर निकलता है, ठीक है, गोलीय तरंगाकर, कैसा है गोलीय, और वो सभी दिशाओं में फैलता है, क्या करता है अभी वो सभी दिशाओं में फैलता है। तो अब उसकी कैलकुलेशन करें क्या, देखिए प्रकाश से गोलीय तरंगाकर निकलता है जो सभी दिशाओं में फैलता है, तो देखिए क्या घटना हुई कि गोलीय तरंगाकर निकला, ओ से निकला और टी टाइम बाद कुछ जगह पहुंच गया, भी एक गोलीय तरंगाकर निकला और कुछ देर बाद वो तरंग यहाँ पे पहुंच गई। अब गोलीय तरंगाकर निकलेगा किसका है,
तरंग किसकी है, प्रकाश की, तो किस वेग से चलेगी, प्रकाश के वेग से। तो गोलीय तरंग अगर प्रकाश के वेग से चलेगा तो ओ से उसने दूरी तय कर ली कितनी भी, ये दूरी तय कर ली, दूरी क्या होगी, समय गुणा चाल। तो टी टाइम बाद अगर ये यहाँ पे आ गई और किस चाल से आई, प्रकाश के वेग से, तो ई गुणा टी, प्रकाश का वेग क्या होता है सी, कितनी दूरी तय करेगा सी टी, दूरी तय करेगा। किस निर्देश तंत्र में देख रहे हो अभी, एस निर्देश तंत्र में देख रहे हो। तो एक्स दिशा में उसने कितनी दूरी तय कर ली, सी टी दूरी तय कर ली। तो पहला केस है कि एक्स दिशा में उसने कितनी दूरी तय कर ली, सी टी दिशा में। किस निर्देश तंत्र में देख रहे हो, एस में देख रहे हो, एस में, एस डैश में भी देखोगे। वाई में कुछ करिए क्या, नहीं, सिर्फ एक्स में चला है। जेड में कुछ करिए क्या, नहीं, और कितने टाइम पे करिए, कोई टी टाइम चल रहा था। अब ये मान रखो उसके अंदर एक्स डैश में, या एक्स डैश में क्या होगा अभी, एक्स डैश में जब देखोगे तो भी वो कुछ दूरी तय कर चुका होगा, किस वेग से, सी वेग से, प्रकाश के वेग से, लेकिन टाइम अलग होगा। इसमें टाइम टी है तो उसमें टाइम कुछ अलग होगा भी। अब आप ओ डैश पे बैठ के देख रहे हो तो ओ डैश में भी आपको दिखा कि वो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया तो उस टाइम टी डैश अलग होगा, टाइम अलग होगा। ओ डैश में बैठ के देखोगे तो टी डैश होगा, एस में देखोगे तो टी होगा। प्रकाश का वेग तो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान रहेगा, कौन सा नियम, कौन सा विकृत, दूसरा विकृत, ठीक है। तो यहाँ से एक्स डैश इक्वल टू क्या गया, सी टी डैश। वाई जीरो है तो वाई प्राइम भी जीरो, जेड जीरो है तो जेड प्राइम भी जीरो, क्यों, क्योंकि सभी समान होते हैं। और टाइम क्या है अभी, टी डैश। अब एक बात बताओ, आपके पास एक्स प्राइम की कोई रूपांतरण समीकरण है क्या, हाँ सर ये रही, क्या है, ए एक्स माइनस वी टी। तो एक्स प्राइम की जगह क्या देखो, सी टी प्राइम है, ठीक है। एक्स प्राइम की समीकरण क्या आ गई, ए एक्स का मान कितना है, एक्स माइनस वी टी है ना, तो एक्स का मान कितना है, सी टी माइनस वी टी। यहाँ से क्या कॉमन आया, टी कॉमन आया, तो यहाँ से टी कॉमन लो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो यहाँ से सी टी डैश इक्वल टू क्या कॉमन आ रहा है अभी, अंदर से टी कॉमन आया, तो ए टी अंदर बचा सी माइनस ए वी। एक बात क्लियर क्या भाई, सभी को एक बात क्लियर। अब देखिए टी का हो गया अभी, एक्स डैश की रूपांतरण समीकरण आ गई, वाई की भी आ गई, जेड की अभी आ गई, बच गई किसकी, टी डैश की बच गई, तो टी डैश की भी बना लो। तो टी डैश इक्वल टू डी एक्स प्लस एफ टी, डी का मान नहीं है ना, तो डी का मान पड़े रहने दो, एक्स का मान है ये रहा सी टी है, तो डी सी टी प्लस एफ टी, एफ का मान ही नहीं, टी का मान तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये हो गया टी डैश का मान। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से टी कॉमन आ रहा है वापस, तो क्या आया डी सी प्लस एफ टी। अब ये समीकरण है और ये समीकरण है, इसको भाग कर लो, इसको क्या कर लो, भाग कर लो, डी सी प्लस एफ इंटू टी, इन दोनों को एक दूसरे को भाग दे दो, भाग दे दो, तो देखो क्या बनेगा, टी डैश से टी डैश कट गया, क्या बचा, इस साइड तो बचा सी, उस साइड क्या बचा, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा ए सी माइनस वी, नीचे क्या बचा, डी सी प्लस एफ, क्रॉस गुणा कर दो तो डी सी स्क्वायर इस साइड गुणा कर दो प्लस एफ सी इक्वल टू ए सी माइनस वी। ये तो आ गई आपकी एक नई समीकरण, ये आप एक समीकरण नाम दे दो इसको, इस समीकरण को नाम दे दिया मैंने समीकरण एक, आ गई बात समझ में। अब मेरे को कुछ समीकरणें बनानी होंगी जिसके आधार पर मैं ए बी सी डी के, ए बी डी एफ के मान निकाल सकूँ, तो मेरी पहली समीकरण आ गई, एक बात क्लियर। अब देखो यहाँ से क्लियर होगा, अब दूसरी घटना लेते हैं, तीन घटनाएं माननी होगी, तीन समीकरणें निकालनी होगी। b का मान तो चलो आपके पास आ ही गया, b इक्वल टू माइनस ए वी होता है, ये अभी अपन ने देखा था, ठीक है। अब a के मान चाहिए, d का मान चाहिए और f का मान चाहिए, तो अब दूसरी घटना मानते हैं, ये हटा दे क्या, दूसरी घटना मानो, दूसरी घटना है अभी, पहली बार तो धनात्मक x दिशा में गई, अब की बार मान लेते हैं तरंग है वो धनात्मक में ना जा के चारों दिशाओं में फैलेगी, वो तो वो थोड़ा ओ से कुछ इस दिशा में आ जाती है, तरंग यहाँ पे आ गई, तो ये दूरी कितनी होगी भी, प्रकाश के वेग से टी टाइम पे चली है, ओ से देख रहे हो, एस निर्देश तंत्र है, ओ बिंदु से देखा तो तरंग कुछ पीछे आ गई, किस वेग से, प्रकाश के वेग से, कितनी दूरी चलेगी, सी टी चलेगी, कितनी दूरी चलेगी, सी टी दूरी चलेगी। तो इस तरंग के निर्देशांक निकालो एस निर्देश तंत्र में, कितना या एक्स का मान सी टी, वाई का मान जीरो और जेड का मान भी जीरो। अब एक बात बताओ किस दिशा में चली है, माइनस दिशा में चली है, विपरीत दिशा में, तो एक्स का मान क्या आएगा, माइनस सी टी आएगा,
क्यों? क्योंकि आपकी बार ऋणात्मक दिशा में चली है। इसी घटना को एस डैश में देखो, यानी यहाँ पे निर्देश अंतर दूसरे बड़ा लियो, तो भाई एक्स प्राइम क्या होगा? एक्स प्राइम भी कुछ यही होगा कि समय गुना चाल, तो चाल तो भी सी है और समय कुछ टी डैश होगा, इसमें टी दिया है तो इसमें टी प्राइम होगा, तो ये दूरी कितनी होगी? टी प्राइम। यहाँ पे वाई डैश जीरो, क्योंकि वाई भी जीरो है, जेड भी, जेड प्राइम भी क्या होगा? जीरो। ये अगर टी घटना पे हो रही है तो ये कितनी पे हो रही है अभी? टी डैश पे। एक बात क्लियर, अब आपके पास ये समीकरण है और एक ये समीकरण है, तो मान रखो एक्स प्राइम इक्वल टू सी टी डैश है, साथ के साथ ये समीकरण भी है ए एक्स माइनस वी टी। अब देखो सी टी डैश इक्वल टू ए का मान नहीं है, एक्स का मान कितना है? सी टी माइनस वी टी। अब एक बात बताओ, एक्स का मान अगर माइनस सी टी लिया है तो एक्स प्राइम में भी तो वो ऋणात्मक दिशा में है, तो ये भी किसका होगा? माइनस का। तो ये भी किसका? माइनस का। आगे बात समझ में, यहाँ पे देखो क्या कॉमन लोगे अभी आप, यहाँ पे देखो ये एक्स है ना, ये किसका है? माइनस का। एक्स किसका है? माइनस का। तो ये सी टी, यहाँ से कॉमन ले लो माइनस टी, यहाँ से कॉमन ले लिया माइनस ए, टी कॉमन ले लिया, क्या बचा? सी प्लस वी। यहाँ पे क्या है? माइनस सी टी डैश, किसका मान आ गया? टी से माइनस से माइनस कट गया, क्या आया? सी टी डैश इक्वल टू ए टी सी प्लस वी आ गया। ये हो गई एक्स की रूपांतरण समीकरण। अब बनाओ टी की रूपांतरण समीकरण, तो टी डैश में ये दी, तो टी डैश क्या होगा? डी एक्स प्लस एफ टी। तो डी एक्स का मान कितना है? माइनस सी टी। एक्स का मान कितना है? माइनस सी टी। तो डी इंटू माइनस सी टी, यानी माइनस डी सी टी प्लस एफ का मान है नहीं टी। वापस वही कर दो, भाग दे दो, पहले यहाँ पे देख लो क्या कॉमन आ रहा है, तो टी कॉमन आ रहा है, तो डी सी प्लस एफ इंटू टी। इंटू टी हो गया, ठीक है, भाग दे दो दोनों समीकरणों को, इसको इसमें भाग दे दिया, तो टी से टी डैश कट गया, यहाँ पे ये टी से ये टी कट गया, क्या बचा? यहाँ पे बचा सी इक्वल टू ए सी प्लस वी, नीचे बचा माइनस का डी सी प्लस का एफ, वापस गुणा कर दो, तो माइनस डी सी स्क्वायर प्लस एफ सी इक्वल टू ए सी प्लस वी। ये आपकी दूसरी समीकरण आ जाती है, जिस प्रकार ये समीकरण थी उसी प्रकार ये समीकरण आ जाती है, तो लिख दो इसको यहाँ पे माइनस डी सी स्क्वायर प्लस एफ सी इक्वल टू ए सी प्लस वी। अब ये तीन वेरिएबल आपके पास नहीं है, ए नहीं है, डी नहीं है, एफ नहीं है, बी का मान तो है ना माइनस ए वी जो अपन ने निकाला है, तो भी एक सिचुएशन और माननी पड़ो, दो ही समीकरण नहीं है, तीन समीकरण तो कम से कम लो ताकि तीनों तरह के मान आ जाए। तो तीनों तरह के मान आ जाए तो तीसरी समीकरण हो ले लो भी। एक चीज़ और रेज्यूम कर लो कि अब की बार गोलीय तरंग अगर पहले तो धनात्मक एक्स दिशा में माना, फिर माइनस में माना, अब की बार मान लो कि वो प्लस एक्स दिशा प्लस वाई दिशा में गए, तो धनात्मक तरंगागर तरंग है वो प्लस वाई दिशा में यहाँ पे पहुँच गई तरंग। तो अब बताओ यहाँ पे कुछ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया आपके पास, ठीक है, इसमें देखो क्या होगा, कौन सा निर्देश तंत्र लिया? एस। तो तरंग ऊपर गई तो एस निर्देश तंत्र में देखो क्या निर्देशांक आते हैं इस तरंग के, तो एक्स दिशा में कुछ विस्थापन है क्या? नहीं है। वाई दिशा में हाँ है, कितना है? दूरी तय की है ना वाई दिशा में, इतनी दूरी तय की है, क्या होगा? समय गुणा चाल, तो सी गुणा टी, जेड बराबर जीरो होगा, टाइम तो कुछ है ही, टी मानना ही पड़ेगा। इसी घटना को एस डैश में देखो, एस डैश में देखोगे तो क्या होगा अभी, तो एक्स प्राइम तो जीरो होगा, एस डैश निर्देश तंत्र ले लो, तो एस प्राइम में तो क्या होगा, एक्स दिशा में तो गति नहीं कर रहा, तो एक्स डैश जीरो, ठीक है। वाई के अंदर तो वाई डैश इक्वल टू वाई होता है, वाई डैश इक्वल टू वाई, तो अगर वाई सी टी है तो वाई डैश भी क्या होगा? सी टी होगा। जेड जीरो है तो जेड बराबर जेड प्राइम भी जीरो होगा, और टी प्राइम भी जीरो नहीं होगा, टी प्राइम तो कुछ वैल्यू होगी आपके पास। इतनी बात क्लियर होगी, अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स प्राइम का मान ये रहा, एक्स प्राइम का कुछ फॉर्मूला है क्या आपके पास? देखिए ये रहा एक्स प्राइम का फॉर्मूला, ये रहा, तो एक्स प्राइम इक्वल टू ए एक्स माइनस वी टी। एक बात आगे क्लियर, ठीक है, यहाँ से देखो ए का मान कितना, ए का मान, ठीक है,
है ही नहीं, एक्स का मान ज़ीरो माइनस। तो यहाँ पे एक्स प्राइम तो क्या था भाई, वैसे देखने पे तो एक्स प्राइम जीरो आ रहा था, लेकिन लॉरेंज उपांतर समीकरण से निकालेंगे तो लॉरेंज उपांतर समीकरण क्या है, एक्स प्राइम इक्वल टू ए एक्स माइनस वी टी, ये वाली। यहाँ पे रखो ए का मान तो है नहीं, एक्स का मान ज़ीरो है, माइनस वी टी, तो भी एक्स प्राइम का मान तो कुछ ना कुछ आ रहा है, कितना आ रहा है ए वी टी। तो अब एक बात देखो, पीछे दो केस एक बार रिवाइंड करके देखो, उसमें अगर एक्स है या एक्स प्राइम है तो उसके सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी, बाकी मान लो अगर एक्स प्राइम का कुछ वैल्यू आ रहा था तो वाई प्राइम जीरो आ रहा था और जेड प्राइम भी जीरो आ रहा था। लेकिन इस कंडीशन में देखो एक्स प्राइम का भी कुछ मान आ रहा है और वाई प्राइम का भी कुछ मान आ रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि तरंग है वो ये ज़रूरी थोड़ी है कि इस दिशा में फैले बी या उस दिशा में फैले, कोई पता नहीं है, ठीक है, एस के हिसाब से अलग होगा, एस डैश के हिसाब से अलग होगा, अलग अलग वैल्यू आएगी। तो एस डैश ने देखा तो वो तरंग इसको कुछ यहाँ पर मिली और यहाँ पे उसको इसके निर्देशांक मिले एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम। एक्स प्राइम कैसा था, ए बी टी नाम का, वाई प्राइम को वैल्यू मिली उसको सी टी और जेड प्राइम की वैल्यू उसको मिली ज़ीरो। तो ये कुछ बीच में आ गया, अगर इन दोनों की वैल्यू जीरो होती तो एक्स आपको एक्स प्राइम की कुछ वैल्यू होती और आपको पता चल जाता कि ये तरंग है ये एक्स पे ही है क्योंकि वाई और जेड के मान तो जीरो है। लेकिन अब देखिए एक्स का कुछ मान है और वाई का कुछ मान है, तो ये तरंग है कुछ एक्स वाई समतल में, यानी ओ डैश से कुछ ये दूरी पे है। तो अगर कोई मुक्त आकाश में कण है और उसकी अगर आपको दूरी ज्ञात करनी है, मुक्त आकाश में अगर कोई कण है या मुक्त आकाश में जो तरंग है वो यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करके गई है, तो ये दूरी कितनी तय की है उसने, बताओ, समय गुणा चाल। किस निर्देश तंत्र में देख रहे हो, एस डैश के अंदर। तो ये दूरी कितनी, समय गुणा चाल, तो समय निर्देश तंत्र कौन सा, एस डैश, तो समय टी डैश, चाल कितनी है सी टी डैश, तो ये दूरी कितनी होगी सी टी डैश। और वैसे दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, मुक्त आकाश में बताना, किसी कण की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला अगर आपके पास निर्देशांक है तो क्या होता है फॉर्मूला, डी स्क्वेयर इक्वल टू एक्स प्राइम की स्क्वेयर प्लस वाई प्राइम की स्क्वेयर प्लस जेड प्राइम की स्क्वेयर, यही होता है क्या फॉर्मूला, देखो डी इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। अब निर्देश अंतर एस प्राइम है तो एक्स प्राइम की स्क्वेयर आ जाएगा, वाई प्राइम की स्क्वेयर आ जाएगा, जेड प्राइम की स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। और वैसे दूरी है कितनी ये बताइए ना, दूरी कितनी है सी टी डैश, तो डी कितना हो जाएगा सी स्क्वेयर टी डैश की स्क्वेयर। भाई यहाँ पे मुक्त आकाश में चल रहा है ना बात, ये कण तरंग यहाँ पे पहुँच गई तो ये दूरी सी टी डैश है, और वैसे दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो ये दूरी कितनी है सी टी डैश, ये तो अपने को पता है, तो सी स्क्वेयर टी डैश स्क्वेयर, और किसके योग की इक्वल होगी, निर्देशांकों के वर्ग के योग की इक्वल होगी। तो एक्स प्राइम का स्क्वेयर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वेयर वी स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर तो सी स्क्वायर और टी स्क्वायर, जेड प्राइम का स्क्वायर करेंगे तो वो तो जीरो है, तो इसको तो एक बार छोड़ दो। ये आपके पास समीकरण बनती है, आगे बात समझ में भी क्या। अब एक बात तो ये, अगली बात देखिए कि टी प्राइम का भी कुछ आपको समीकरण बनाना होगा, तो टी प्राइम का भी समीकरण बना दो, देखिए क्या बनेगा टी प्राइम का समीकरण, देखो ये बात तो होगी। अब टी प्राइम का समीकरण बनाओ, टी प्राइम का समीकरण दिख रहा है क्या अभी नीचे, यहाँ तक दिख रहा होगा, हाँ, टी प्राइम का समीकरण क्या होगा अभी, डी एक्स प्लस एफ टी, तो डी का मान नहीं है, एक्स का मान तो ज़ीरो है, एक्स का मान ज़ीरो है, प्लस एफ इंटू टी, तो एफ इंटू टी कर दिया। अब ये छोड़ दो, ये तो ही नहीं, इसकी स्क्वायर कर दो, इस समीकरण की टी डैश इक्वल टू एफ टी, इस समीकरण की स्क्वायर कर दो, इस समीकरण की स्क्वायर, तो टी डैश की स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर और टी स्क्वायर, वापस जो इतनी देर तक करते हैं वही कर दो, दोनों को भाग में रख दो, दोनों को भाग में रख दिया, तो टी डैश की स्क्वायर से टी डैश की स्क्वायर कट, बच गया क्या, देखो यहाँ पे बचा सी स्क्वायर और यहाँ पे बचा ए स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है टी स्क्वायर, तो ऊपर बचा ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और टी स्क्वायर कॉमन आया, नीचे क्या है एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, इसको इस साइड गुणा कर दो तो एफ स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
ये आपके पास आ गई तीसरी समीकरण, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ तीनों को साथ में। अब तीन समीकरण है, तीन चर है, तीनों को निकाल लो। तो क्या आया, एफ स्क्वेयर सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर वी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर, ये आपकी होगी तीसरी समीकरण। अब तीनों समीकरणों को जोड़ के घटा के ए बी ए डी और एफ के मान निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसको मिटा देते हैं एक बार। जो आपकी बुक में है उससे काफ़ी ज़्यादा इजी है ये, ठीक है। बुक वाला आपको समझ में नहीं आएगा एक तरीके से, बुक में आपको काफ़ी डिफिकल्ट दिया हुआ मिलेगा। इसमें देखिए आपको क्या करें, समीकरणों को जोड़ो घटाओ। तो पहली और दूसरी समीकरण को जोड़ना भी, पहली और दूसरी को जोड़ोगे तो डी सी स्क्वायर यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का कट गया, एक एफ सी ए प्लस का और एक एफ सी ए प्लस का, तो टोटल टू एफ सी हो गए प्लस के। यहाँ पे देखो ए सी यहाँ पे प्लस का है और ए सी यहाँ पे प्लस का, या गुणा ही कर लो ना, ए सी माइनस ए वी प्लस में ए सी प्लस ए वी, ये नीचे वाली को ऊपर वाली मल्टीप्लाई करके गुणा कर दी, मल्टीप्लाई करके जोड़ दी इसके साथ, तो ए वी छः ए वी कट गया, क्या बचा टू ए सी, यहाँ पे बचा टू एफ सी। अब सीधे सीधे आपको दिख रहा है एफ टू एफ कट, एफ किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, यानी ए का मान पता है तो एफ का भी मान पता है। अब ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं आपको, ए का मान पता चल जाएगा तो एफ का मान पता चल जाएगा और डी का मान भी पता चल जाएगा, डी का मान आप निकाल लोगे, बी का मान तो भी माइनस ए वी है, एफ का मान ए के इक्वल है, डी का मान आपको पता नहीं और ए का मान निकाल लोगे तो इन दोनों के मान भी आ जाएंगे, तो मान निकालते हैं, ठीक है। अब ये इस मान को समीकरण तीन में रख के देखते हैं, चलो एफ इक्वल टू ए, इस मान को समीकरण तीन में रखती है, समीकरण तीन में, तो एफ स्क्वायर सी स्क्वायर इसको आप लिख दो, चाहिए ए स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, एफ को क्या लिख दो, ए स्क्वायर लिख दो, एफ को ए के इक्वल लिख दो, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, इतनी बात क्लियर। यहाँ से क्या कॉमन आया, इसको इस साइड ले आओ तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस है वी स्क्वायर, उस साइड क्या बचा सी स्क्वायर, उसको उस साइड भेज दो तो ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर माइनस है वी स्क्वायर, आ गई बात समझ में। अब क्या करो, भी सी स्क्वायर ऊपर पड़ा ही है, नीचे से सी स्क्वायर कॉमन ले लो, वो कॉमन लिया तो वन माइनस वी स्क्वायर के बटा में चल गया सी स्क्वायर। अब यहाँ से ये तो कट गया, क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा अभी वन बाई वन माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, किसके इक्वल है ए स्क्वायर, ए का मान निकालोगे तो वर्गमूल कर दो, तो वर्गमूल करोगे तो वन बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिख रहा है क्या नीचे तक यहाँ तक, ठीक है, वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये किसका मान आ गया, ए का मान आ गया, ए का मान ये है तो एफ का मान भी यही होगा, बी का मान आपको पता ही है, डी का मान भी निकाल लेते हैं चलो, ठीक है, डी का मान भी आपके पास आ जाएगा। तो अब देखिए ए का मान ये आपके पास आ गया, इसको एक बार साइड में रख देते हैं, कितना है अभी अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब डी का मान निकालना है तो डी का मान निकाल दो, चाहिए किस समीकरण से निकाले, समीकरण एक से निकाल लेगा, समीकरण एक क्या है, माइनस डी सी स्क्वायर प्लस एफ सी इक्वल टू ए सी माइनस वी, यहाँ से क्या करो, माइनस डी सी स्क्वायर प्लस एफ की जगह ए लिख दूँ, एफ इक्वल टू ए इक्वल टू ए सी माइनस ए वी, ए सी से ए सी कैंसिल आउट, माइनस डी और उस साइड क्या है अभी सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए वी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, डी का मान निकालोगे तो ए वी बाई सी स्क्वायर, ए का मान आपके पास सही तो वी बाई सी स्क्वायर को तो बाहर निकाल लो, इंटू ए का मान कितना है, इंटू ए का मान ये था, तो ए का मान क्या हो गया वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी बाई सी स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हो वी बाई सी स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये आ गई आपकी ए के मान, बी के मान, डी के मान और एफ के मान, सब के मान आ गए आपके पास, ठीक है। अब इन मानों को
रख देते हैं साइड में। डी का मान क्या है अभी आपके पास, वी बाई सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। इतनी बात क्लियर, इसको मिटा देते हैं। अब सभी के मान इन ऊपर वाले समीकरणों में रख देते हैं और आपके पास x प्राइम y प्राइम सब के मान आ जाएंगे। देखिए इतनी बात क्लियर, a का मान आ गया, रखो इसमें x प्राइम का कितना मान आता है, यहाँ पे रख देते हैं। x प्राइम का मान कितना आएगा, x a का मान कितना है अभी, या a बार है ना, तो a इंटू एक्स माइनस वी टी है ना, a का मान रख दो कितना है अभी, अंडर रूट वन माइनस है वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हो गया x प्राइम का मान। y प्राइम तो y के इक्वल है और z प्राइम भी z के इक्वल है। अब बात आ गई t प्राइम की, तो t प्राइम के अंदर देखो क्या समीकरण है, t प्राइम इक्वल टू d, d का मान क्या है अभी, ये रहा v बाई सी स्क्वेयर, v बाई सी स्क्वेयर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, तो ये आ गया। प्लस में एफ टी, तो जो मान f का वही मान a का, तो f का मान और a का मान तो समान ही है, तो प्लस में f की जगह क्या लिख दो, ये वाला मान रख दो वन माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर इंटू टी। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम तो दोनों का सेम ही आएगा, तो लघुत्तम दोनों का सेम आया वन माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। ऊपर क्या है अभी, एक्स वी बाई सी स्क्वेयर प्लस में टी, एक्स वी बाई सी स्क्वेयर प्लस में टी, ये किसका मान आ गया आपके पास, टी प्राइम का मान आ गया। तो इस टी प्राइम के मान को भी रख लो। तो ये जो चार समीकरण है, ठीक है, ये चार जो समीकरण है, ये समीकरण है आपकी कहलाती है लोरेंज रूपांतरण समीकरण, चार तीन दो और ये आपकी पहली समीकरण, ये चार समीकरण आपकी कहलाती है लोरेंज रूपांतरण समीकरण, जो प्रकाश के वेग के नियत मान के लिए सभी जगह लागू होती है। प्रकाश का वेग अगर आप नियत मानते हो तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे करेंगे इसके कुछ एप्लीकेशन।